आज राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने वही बातें की हैं जो पहले भी करते रहे, संघ के विषय में, भारतीय जनता पार्टी के विषय में, और देश को गुमराह करने की कोशिश। यही राहुल गांधी जी की कोशिश पहले भी रही है और आज भी यह गुमराह करने वाली कोशिश जारी है। राहुल गांधी जी का मानना है कि देश में विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। अगर सही मायने में देखा जाए तो देश में विचारधाराओं की लड़ाई नहीं चल रही है, एक और विकास धारा है और दूसरी और परिवार की धारा है। एक और विकास किस प्रकार आगे बढ़े, देश किस प्रकार आगे बढ़े, इसकी चिंतन है, तो दूसरी और किस प्रकार घोटाले, भ्रष्टाचार, इनको आगे बढ़ाया जा सके, परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा सके, इसकी चिंता है। तो स्वाभाविक रूप से विचारधारा को आगे बढ़ाने की लड़ाई कतई नहीं। राहुल गांधी जी की इमैच्योरिटी देखिए, अपरिपक्वता देखिए, इतने वर्षों तक जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, जनता वह काम देखेगी या अभी उन्होंने इंडिया जोड़ के जो नाम दिया है उस नाम को देखेगी। बंधुगण, अंग्रेजों ने भी यही किया था, एओ ह्यूम को ला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ करके अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई। उनको लगता था कि भारत के लोगों को लगेगा मानो अंग्रेज हमारे हैं और इंडिया का नाम लगाया है तो इंडिया के लिए काम करेंगे। जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार की लूट अंग्रेजों ने की थी वो हम सब ने देखा था। इसलिए नाम के परिवर्तन से काम में परिवर्तन आएगा, हिंदुस्तान की जनता इससे गुमराह नहीं होगी।